भारत में 51 शक्तिपीठ अथवा सिद्धपीठ हैं। इनमें से कुछ शक्तिपीठ उत्तराखंड में भी स्थित हैं। मां चंद्रबदनी देवी का मंदिर भी ऐसे ही शक्तिपीठों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। उत्तराखंड रोचक तथा सीरीज के इस खास एपिसोड में आज हम जानेंगे माँ चंद्रबदनी देवी के बारे में। चंद्रबदनी मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र हिंदू मंदिर है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के हिंडोलाखाल विकास खंड में चंद्रकूट पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर से सुरकंडा, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत की चोटी का दृश्य दिखाई देता है, जो इस स्थान को और भी अधिक मनमोहक और आकर्षक बनाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिला पर श्रीयंत्र बना हुआ है, जिसके ऊपर चांदी का एक बड़ा छत्र रखा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रीयंत्र से प्रभावित होकर ही इस सिद्धपीठ की स्थापना की थी। वैसे तो हर दिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, परंतु नवरात्रों में यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। नवरात्रों की अष्टमी और नवमी के दिन नवदुर्गा के रूप में नौ कन्याओं की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ उन्हें दान दक्षिणा दिया जाता है। वैसे पूरे भारतवर्ष में कन्याओं को देवी का रूप ही माना जाता है। अप्रैल महीने में प्रत्येक वर्ष यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भक्तगण माता के जयकारे लगाते हुए यहाँ पहुंचते हैं। मंदिर के निकट यात्रियों को विश्राम और भोजन की पूरी व्यवस्था है। मंदिर परिसर में माता की पूजा श्रीयंत्र के रूप में होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ भक्तिभाव से मन्नतें मांगने आता है, तो माता उनकी मन्नतों को पूर्ण करती है, जिसके फलस्वरूप भक्तगण मन्नतें पूर्ण हो जाने पर कंद मूल फल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चुन्नी चांदी के छत्र आदि चढ़ाकर माँ के नाम के रूप में समर्पित करते हैं। आइए जानते हैं चंद्रबदनी मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी कहानियां। यह पौराणिक कहानी आदिशक्ति देवी से जुड़ी हुई है। जब प्रजापति राजा दक्ष ने कनखल, जो कि आज हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने महादेव तथा उनकी अर्धांगिनी माता सती के अलावा सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। सभी देवी देवताओं को यज्ञ स्थान को जाते देख देवी सती भी भावुक हो गई। उनके मन में भी पिता के घर जाने की तरंग जाग उठी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हमें भी वहां जाना चाहिए। भगवान शंकर ने यह कहकर मना कर दिया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं है, परंतु देवी सती महादेव के मना करने पर भी स्वयं वहां चले गई, जहां उनकी माता के सिवाय उनका स्वागत सत्कार किसी ने नहीं किया। वहां सभी देवतागणों का स्थान था, लेकिन शिव सती का स्थान नहीं था। जब सती ने अपना तथा भोलेनाथ का स्थान न होने का कारण पूछा, तो उनके पिता राजा दक्ष ने उन्हें तथा उनके पति भगवान शिव को अपमानजनक शब्द सुना डाले। माता सती अपने परमेश्वर का अपमान सहन न कर पाई, जिससे वह क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में ही कूद गई और स्वयं की ऊर्जा से खुद को भस्म कर दिया। जब महादेव को देवी सती का भस्म होने का समाचार मिला, तो उन्होंने रुद्र रूप धारण कर दिया और वहां आकर उनके पिता दक्ष का सिर काट दिया तथा शोक करते हुए सती का जलाशव त्रिशूल में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। सृष्टि का कल्याण करने के लिए सभी देवी देवता सृष्टि पालक भगवान विष्णु के पास गए। वे महादेव को शांत करने का आग्रह करने लगे, जिससे सचिदानंद ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के जले हुए शव को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां देवी सती के अंग गिरे, वे स्थान सिद्धपीठ अथवा शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर मां का बदन शरीर वाला भाग गिरा था, इसलिए यहां का नाम चंद्रबदनी पड़ा। एक कहानी के मुताबिक इसी सुंदर स्थान पर एक समय भोलेनाथ माता सती के वियोग में व्याकुल होकर उन्होंने देवी सती का स्मरण किया, जिसके फलस्वरूप देवी सती ने भोलेनाथ को चंद्र रूप शीतल मुख में दर्शन दिए, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव का दुख दूर हो गया था। आइए जानते हैं यह मंदिर महाभारत से क्यों जुड़ा हुआ है। महाभारत कथा के अनुसार चंद्रकूट पर्वत पर गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को फेंका गया था। कहा जाता है कि चिरंजीव अश्वत्थामा आज भी हिमालय में विचरते हैं। आपने सुना होगा कि भक्तगण कभी भी मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ श्रीयंत्र के ही दर्शन करते हैं। इसका कारण है कि माता सती का बदन यहां पर गिरा था, इसी वजह से देवी की मूर्ति के कोई दर्शन नहीं कर सकता, यहां केवल श्रीयंत्र के ही दर्शन कर सकते हैं।
इसी कारण मंदिर के पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर मां को स्नान कराते हैं। लोक मान्यता है कि एक बार किसी पुजारी ने अज्ञानवश अकेले में मूर्ति देखने की चेष्टा की थी, इसके उपरांत पुजारी अंधा हो गया था। तब से यहां पुजारी आंख में पट्टी बांधकर ही मूर्ति के दर्शन तथा स्नान किया करते हैं। यहां पूजा से प्रयुक्त संघ का पानी पीने का बड़ा महत्व माना गया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां आने से आत्मशांति मिलती है। मान्यता है कि चंद्रकूट पर्वत पर रात में गंधर्व अप्सराएं आज भी मां के दरबार में नृत्य करती है और रात में गंधर्व गीत भी गाते हैं। स्कंद पुराण, देवी भागवत और महाभारत में इस शक्तिपीठ का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में यहाँ का वर्णन भुवनेश्वरी सिद्धपीठ नाम से है। वैसे तो आप इस पवित्र स्थान पर किसी भी मौसम में आ सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा समय यहाँ आने के लिए जून से अक्टूबर का है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना चंद्रपद्मिनी देवी मंदिर के बारे में। दोस्तों, आपको ऐसे ही किस टॉपिक और वीडियो चाहिए, जय कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली वीडियो आपकी पसंद की आने वाली है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।